भगवान वह चेतनता से तो ज्ञान यह भगवान यह भगवान यह प्रत्यक्ष भगत भगवान ही है भगवान जान पूजा करता हमने देखा सब भक्तों ने भगवान स्वयं लीला करता बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी जितने पूर्ण आत्माओं के चरणों में प्रणाम आज इस अखंड शांति साधना शिविर का समापन दिवस है प्रतीक्षा करते आ रहे थे रोहिणी में क्लास होगा बहुत मीटिंग हुई बहुत रुकावटें पड़ी लेकिन बहुत शुभ दिन आ गया और आज उसका समापन दिवस इस शिविर में हमने क्या सीखा सभी प्रेमियों ने अपने अनुभवों को प्रकट करके अपने शब्दों में बताया अब उन लोगों से उनके संबंधी लोग पूछते हैं तुम अब मंदिर नहीं जाते पूजा नहीं करते हो व्रत उपवास क्यों नहीं करते तो उनको समझाया जाता है कि देखो भाई एक सूतक लग जाता है घर में तो ये धार्मिक प्रवृत्ति पूजा पाठ यज्ञ आदि बंद हो जाते हैं कोई मर जाए या कोई पैदा हो जाए एक भी ऐसा घटना घट जाए तो पूजा पाठ बंद हो जाते हैं मेरे घर में तो एक साथ दो घटना घट गई है एक तो मेरी ममता माँ मर गई और एक ज्ञान बेटा पैदा हो गया तो मैं कैसे ये मंदिर माला पूजा पाठ करूं मेरे घर में तो दो दो सूतक लगे हैं एक सूतक लगने से तो बंद हो जाता है यह मंदिर पूजा पाठ मेरे घर में तो दो दो लगे तो लोग पूछते हैं क्या ये कर्म उपासना व्यर्थ है तो उनको कहा जाता है नहीं चित्त शुद्धि का ये कारण है निष्काम भाव से कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध मन परमात्मा को प्रीलक का निर्मल मन जन सो मुहि पावा निर्मल मन वाला ही परमात्मा को पाता है निर्मल मन कैसे होता है जब वह निष्काम कर्म करता है शुद्ध आहार लेता है तो कर्म का उपयोग कहाँ तक है विद्यार्थी नोट करेंगे पांच प्रकार से कर्मों का उपयोग होता है कर्म का कर्ता कुल पांच प्रकार के उपयोग देता है प्राप्ति नंबर एक प्राप्ति नंबर दो उत्पत्ति नंबर तीन परिवर्तन विकार नंबर चार संस्कार और नंबर पांच नाश
कोई भी संसार में कर्म का करता कुल पांच प्रकार के ही लाभ फायदे उपयोग ले सकता है। छठा, कोई भी प्रकार का उपयोग कर्म का करने वाला नहीं उठा सकता। अब जो लोग कहते हैं हम तो कर्म करके ही परमात्मा को पा लेंगे, हमें इस ज्ञानवान की क्या जरूरत है, ये हमें नहीं सीखना, ये ज्ञान तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा विरोध करते हैं। तो आज समझ लें कि कर्म के द्वारा क्या परमात्मा की भी प्राप्ति की जा सकेगी, जो ऐसा मन में आग्रह रखते हैं कि हम तो कर्म से ही पा लेंगे। तो भाई, कर्म से तो कुल पांच प्रकार के ही लाभ ले सकते हो। कौन कौन से? किसी चीज की तुम प्राप्ति करते हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं प्राप्त करो, मोटरसाइकिल नहीं प्राप्त करो, टीवी नहीं प्राप्त करो, मोबाइल नहीं प्राप्त करो, घर में कोई सामान का अभाव प्राप्त करो, एक हुआ प्राप्ति रूप कर्म। दूसरा है उत्पत्ति रूप कर्म, बच्चा नहीं उत्पन्न करो, अन्न नहीं उत्पन्न करो, विद्या नहीं उत्पन्न करो, शक्ति नहीं उत्पन्न करो, धन नहीं उत्पन्न करो, इनके लिए साधन कर दो। साधन नहीं करोगे तो आपको ये सब नहीं मिलेंगे। कर्म का दूसरा उपयोग भी जरूरी है, प्राप्ति रूप भी जरूरी है, ज्ञानी भी हो कि संसारी हो, सबको ये पांच प्रकार का उपयोग रोज लेना ही पड़ता है, इनके बिना जीवन निर्वाह नहीं होता है। तो घर में जो चीज नहीं है प्राप्त करना पड़ेगी, आटा नहीं दूध नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, बाजार जाओ और प्राप्त करो, पैसा से प्राप्त करो, मांग कर प्राप्त करो, मारपीट करके प्राप्त करो, प्राप्त करना पड़ेगा तब अप्राप्त की प्राप्ति होगी। और उत्पत्ति प्राप्त करने से नहीं मिलता है, स्टॉक में नहीं, घर में नहीं, तो उत्पन्न करो, खेती करो, व्यापार करो, उत्पन्न करो, वो उससे मिलेगा, बिना उत्पन्न किए आपको धन नहीं प्राप्त होगा, विद्या प्राप्त नहीं होगी, शक्ति प्राप्त, इसके लिए साधन करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कर्म का तीसरा उपयोग हो गया विकार, परिवर्तन, रूपांतरित कर देना, जिसे धान को कूट कर चावल कर दिया, गेहूं को पीस कर आटा कर दिया, चावल को पका कर भात कर दिया। उत्पन्न करना भी जरूरी है और फिर परिवर्तन विकार करना भी, रूपांतरित करना जरूरी है। अब कर्म का चौथा उपयोग है संस्कार। घर में गंदगी है साफ करो, सर में गंदगी है साफ करो, मुख में गंदगी है साफ करो, बदन में कपड़े में गंदगी है साफ करो, पेट में गंदगी है तो साफ करो। ये संस्कार, शुद्धि संस्कार भी जरूरी है और सब करते हैं। अब इसके आखिरी में आ जाता है कर्म का अंतिम उपयोग, नाश। यूट्रस में कैंसर आ गया, ब्रेस्ट में कैंसर आ गया, तो आपका किडनी खराब है, हार्ट में कुछ विकार आ गया, मुख में दांत में कुछ आ गया, तोड़ो काटो निकालो नाश करो। घर के अंदर
कोई झाड़ बीच में आ गया, मकान बना रहे हैं, प्लाट लिया है, तो फिर उसको भी हम काट देते हैं। नाश भी जरूरी है। अपेंडिक्स हो गया, निकला कर फेंकाओ, कटा दो। बस कर्म का कर्ता कुल ये पांच प्रकार का ही जीवन में उपयोग उठाता है, इसके अतिरिक्त कर्म का कर्ता और कोई छठा प्रकार नहीं कर सकता। दो रिश्तेदार माँ बेटी पास पास मत बैठो, दूर दूर हो जाओ, अपने से दूर कर दो, इधर उधर कर दो, एक से मिलके मत बैठो। अब आओ, जो कहते हैं हम परमात्मा को भी इसी तरह से प्राप्त कर लेंगे। संसार में हमारा सब इस प्रकार काम होता है और हमें जो चाहिए हम प्राप्त कर लेते हैं। तो कर्म का कर्ता कर्म से कितने प्रकार के लाभ उठाता है, बोलो। एक एक बोलो। कोई छठे प्रकार का आप उपयोग करते हो तो याद करा दो कि भाई छठा प्रकार भी है कर्म से, तो या तो प्राप्ति होगा या उत्पत्ति होगा या विकार रूप होगा या संस्कार या नाश। अब जो कहते हैं परमात्मा को भी प्राप्त कर लेंगे, तो नंबर एक में प्राप्ति रूप कर्म परमात्मा में काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, छू नहीं पाएगा, क्योंकि प्राप्ति उस पदार्थ की करना पड़ती है जो पदार्थ हमारे पास पहले से, बोलो, नहीं है, नहीं है, उसको प्राप्त करेंगे। जो पहले से ही प्राप्त है उसके लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत आ गया समझ में, हाँ या ना? हाँ। क्योंकि वो तो हमारे पास सबके पास अखंड है ना, सब देश में, सब काल में और सब रूप में है, और सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम। वेद भी कहता है ईश्वर सर्वभूतानां प्रदेश अर्जुन तिष्ठति, वो वहां पहले से ही है। नोट करो, जिसे हम पाना चाहते हैं वो हम स्वयं ही हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं वह हम स्वयं ही हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं वह हम खुद ही हैं। तो पाने की झंझट, बोलो, नहीं। किसके लिए है? जिसके घर में चीज ना हो वो पाने के लिए साधन करेगा, पर परमात्मा किसी घर में नहीं है क्या? है, सब घर में, अणु अणु में, कण कण में, इतनी स्पष्ट बात है। तो कर्म का उपयोग जो प्राप्ति प्रथम था वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपयोग में है नहीं? क्यों? वो तो पहले से ही प्राप्त है। नंबर दो, उत्पत्ति। संसार में तो उत्पत्ति भी जरूरी है, बिना उत्पत्ति के आपको उपयोग नहीं होगा। परमात्मा के लिए उत्पत्ति कर्म, बोलो, बिल्कुल जगह नहीं वहां। परमात्मा के लिए उत्पत्ति कर्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि उत्पत्ति जिसकी की जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी भी उत्पत्ति होगी उसका नाश हो जाएगा। फिर परमात्मा को अजन्मा है, तो अजन्मा परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म की भी जरूरत नहीं है। उत्पत्ति कहाँ करना पड़ती है? जहाँ वह उसका फिर क्षण नाश भी होता है। जो हमारे घर में नहीं है, हमारे गांव में नहीं है,
हमारे नगर में नहीं है तो फिर उत्पत्ति करना पड़ती है, पर परमात्मा तो सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में है, तो उसके लिए उत्पत्ति की जरूरत नहीं, उत्पत्ति उसकी करना पड़ती है जो ना हो हमारे देश में नहीं, प्रांत में नहीं, जिला में नहीं, हमारे नगर में नहीं, हमारे घर में नहीं, तो उसके लिए हम उत्पत्ति का साधन करेंगे। पर परमात्मा तो क्या है, अजन्मा और अविनाशी है, तो उस परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूपकर्म की भी जरूरत नहीं है। उत्पत्ति जिसकी होगी उसका फिर नाश होगा, वो परमात्मा नहीं कहला सकेगा, क्योंकि परमात्मा अजन्मा और अविनाशी कहलाया है। अब तीसरा कौन सा उपयोग है, विकार, रूपांतर, परिवर्तन। तो साकार में ही विकार होता है, परमात्मा तो निराकार है, निरअवयव है, इसलिए उसमें विकार की भी गुंजाइश नहीं है। संसार में तो विकार रूपी कर्म करना पड़ेगा, गेहूं को पैदा करो, फिर गेहूं को पीसो, फिर आटा सानो और फिर जाकर रोटी सेको, यहाँ तो करना पड़ेगा विकार। परंतु परमात्मा तो निराकार है और निरअवयव है, तो निराकार निरअवयव परमात्मा में कोई भी विकार करने का रास्ता नहीं। जैसे आकाश, आकाश में हम तीर छोड़े, आकाश की तरफ गोली छोड़े, तोप छोड़ दें, तो आकाश के टुकड़े टुकड़े होंगे नहीं, भाई नहीं, क्यों, वो निराकार है और सर्वव्यापक है, निराकार और सर्वव्यापक। तो निराकार आत्मा में विकार रूप गुंजाइश नहीं कि दो हाथ के चार हाथ कर दे, कि दो आंख के चार आंख कर दे, वो तो निराकार और निरअवयव है। उस अखंड सत्ता में आप कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। संसार में तो जरूरी है, किडनी खराब है बदल दो, लंग्स खराब है बदल दो, जो जो संभव है आंख है बदल दो, परमात्मा के तरफ ये कर्म का तीसरा उपयोग भी व्यर्थ हो गया। कौन सा उपयोग, विकार। तो परमात्मा की तरफ कितने कर्म विकार हो गए, तीन। कौन कौन से, प्राप्ति रूप कर्म भी नहीं चाहिए परमात्मा के लिए, उत्पत्ति रूप भी नहीं चाहिए और विकार भी नहीं चाहिए। प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं चाहिए, वो पहले से प्राप्त है। उत्पत्ति रूप कर्म क्यों नहीं चाहिए, कि वो अजन्मा है और जो जन्मेगा वो तो मर जाएगा, वो परमात्मा नहीं। तो विकार रूप कर्म क्यों नहीं चाहिए, साकार में विकार होगा, परमात्मा तो निराकार है, उसमें गुंजाइश नहीं। अब संस्कार की बात करते हैं, तो परमात्मा के लिए हमें शुद्धि संस्कार की, घर में तो गंदगी है सफाई कर लो, मुख में गंदगी है सफाई कर लो, कपड़े में गंदगी है, पेट में गंदगी है, सब की सफाई, सफाई संस्कार, शुद्धि संस्कार। परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, तो नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए शुद्धि रूप संस्कार कर्म की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए न चंदन घिसो, न दूध लाओ, न कपूर या परफ्यूम, न कोई फूल पत्ती, वो तो परमात्मा को नित्य शुद्ध है। तो नित्य शुद्ध परमात्मा के लिए शुद्धि संस्कार की जरूरत नहीं। और पैंगल उपनिषद में एक बात आई है कि देह तो नित्य मलिन है और आत्मा नित्य शुद्ध है। अब किसकी शुद्धि का विचार करोगे, देह तो नित्य मलिन है और आत्मा नित्य शुद्ध है, तो नित्य शुद्ध के लिए कुछ शुद्धि का करना नहीं।
और जो नित्य मलिन है वो कभी शुद्ध होगा नहीं, हो सका तो शुद्धि संस्कार भी हमें नहीं करना है परमात्मा के लिए। क्यों नहीं करना है कि वो नित्य और देह को कितना भी गंगा में निलाओ, दही से निलाओ, लेकिन वो शुद्ध होने वाला नित्य दोनों तरफ से तुम मुक्त हो। अब अंतिम बात आ गई, कौन सा? नाश। कर्म का अंतिम उपयोग क्या है? तुमने कोई पौधा लगाया, फल आ गए, वृक्ष बन गया और देखा कि उसके तो सब फल मतलब कड़वे, तो फिर क्या करोगे? काटो, फेंको, दूसरा लगाएंगे। दांत में कोई और नीचे से दांत निकल रहा है तो उसको भी निकाल कर फेंकना पड़ता है। कभी कभी छह अंगली हो जाती है तो कुछ तो लोग रख लेते हैं और कुछ उसको कटवा देते हैं कि उसका कोई उपयोग नहीं है। अच्छा, तो अब नाश की बात है। परमात्मा के लिए नाश रूप कर्म क्या करें? तो पता लगा कि परमात्मा के और हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। बोलो, नहीं है। नहीं है। अगर रुकावट होगी तो हटाएंगे उसको। नाश रूप परमात्मा के हमारे बीच में क्या चीज है? तो सुन लो, परमात्मा और तुम्हारे बीच में न तुम्हारा पिता रुकावट है, न पत्नी रुकावट है, न माता रुकावट है। परमात्मा तुम्हारे बीच में न खेती रुकावट है, न व्यापार रुकावट है, न नौकरी रुकावट है, न शादी रुकावट है, न बच्चे पैदा करना रुकावट है। एक भी यह तुम्हारे परमात्मा के बीच में रुकावट करता नहीं। पर अज्ञानी लोग घर छोड़ के भाग रहे, पति को छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चों को छोड़कर भाग जाते हैं, पति को छोड़कर भाग जाते हैं, घर मकान को छोड़कर भाग जाते हैं। ये सब की कोई भी रुकावट नहीं। परमात्मा के और तुम्हारे बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन रुकावट होती भी है। पिता भी रुकावट करेगा, माँ भी रुकावट करेगी, पति भी रुकावट कर देगा, पत्नी भी रुकावट कर देगी, संतान भी रुकावट कर देगी। मत जाओ सत्संग में, मत जाओ मंदिर, मत जाओ तीर्थ, मत जाओ यात्रा में, मत जाओ पूजा, हमको पसंद नहीं, हमको यज्ञ पसंद नहीं, लो बाबा ये सब रुकावट करने खड़े हो गए। और अभी कहा था कि कोई रुकावट करने वाला, हाँ कब रुकावट होती है? ध्यान से सुनो, जिसका परमात्मा अपने से बाहर होता है उसके लिए सारे रुकावट हो जाएगी। मुसलमान रोक देगा, शत्रु रोक देगा, बाप रोक देगा, नहीं जाने देगा, बाहर है जिसका परमात्मा। लेकिन जिसका परमात्मा अपने ही हृदय मंदिर में है घुसकर, ना बाप रोक सकता है उसकी भक्ति से, ना पिता रोक सकता है, ना पत्नी रोक सकती है, ना पति, ना पुत्र, ना पुत्री, ना कोई अन्य समाज वाला, जैन समाज हो कि आर्य समाज हो कि ईसाई समाज हो कि सिख समाज हो, कोई भी नहीं रुकावट कर सकता है जिसका परमात्मा कहाँ हो। ये रुकावटें किनको हो रही है? जिनका परमात्मा बाहर कहीं बैठा है, कैलाश में तो कोई का बैठा है, उत्तर काशी में तो कोई का बैठा है, स्वर्ग वैकुंठ में, इन लोगों के मार्ग में रुकावट है। किंतु जिसका राम